जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह जो लाइव चर्चा का विषय है योग सूत्र पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं योग सूत्र के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं विषय बहुत गंभीर है योग सूत्र स्वाध्याय का विषय है स्वाध्याय का ये ध्यान रखिएगा कई बार हम स्वाध्याय को अर्थ का अनर्थ कर देते हैं स्वाध्याय क्या है हम इस अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कई बार लोग सीधा बोलेंगे स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन ही स्वाध्याय बताया गया लेकिन शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय नहीं हो सकता स्वाध्याय तो का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं को जानने की कोशिश करना स्वयं को समझने की कोशिश करना और यह कोई भी बात जो है यहां पर एक बात ध्यान कई मैं आपको बातें कुछ बातें मैं आपसे आज कहना चाहूंगा क्योंकि कुछ ऐसी चर्चा कहीं पर चली उस आधार पर यह बात है कि तर्क क्या होता है तर्क क्या होता है तर्क देने का तात्पर्य क्या होता है और एक विकसित मानसिकता क्या होती है हमारे शास्त्र हमें क्या समझाना चाहते हैं और हम क्या समझकर बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के तर्क देते हैं लेकिन जब भी आप कोई तर्क देते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि तर्क सुनने में बड़ा तर्कपूर्ण लग रहा होगा लेकिन क्या वह तर्क प्रमाण की कसौटी पर है अगर उसका प्रूफ नहीं है अगर उसका प्रमाण नहीं है तो जुगलबंदी है शब्दों का हेर फेर है सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही समस्या है कि लोग या नहीं समझते नहीं जानते कि कहा क्या जा रहा है शास्त्र क्या कहते हैं शास्त्र क्या समझाना चाहते हैं उसके ज्ञान का हम महत्व नहीं दे पाते और फिर क्या होता है फिर एक तर्क चलता है जो कि प्रमाणहीन होता है फिर एक प्रमाणहीन तर्कों का सिलसिला चल पड़ता है जैसा तो कोई प्रमाण नहीं है ऐसे तर्कों का सिलसिला एक व्यक्ति तर्क देगा दूसरा व्यक्ति उसका तर्क दे देगा फिर तर्कों का सिलसिला ही चल पड़ेगा लेकिन भारतीय विचारधारा तर्कों से नहीं प्रमाणों से चलती है प्रमाण मतलब प्रूफ भारतीय दर्शन तर्कों से नहीं प्रूफ से चलती है प्रमाण व्यवस्था क्या है इसको समझना पड़ेगा तो प्रमाणों से चलती है मतलब कि आपकी बातों के प्रमाण भी होने चाहिए कहीं कहा सुनी की बात नहीं आजकल तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है आपको एक बात बता दें सनातन धर्म का लीडर बनना बहुत आसान काम है सनातन धर्म का आप नेता बनना चाहते हैं बहुत सरल काम है इतना आसान है कि पूछिए मत वेशधारण कीजिए आवाज को थोड़ा बुलंद रखिए थोड़े से बातूनी बनिए बातें बोलना जानना आना चाहिए आपको वेशधारण कीजिए माथे पे तिलक लगाइए आप नेता बन चुके हैं आप सनातन धर्म के नेतृत्व कर सकते हैं आप इतना ही पर्याप्त है आप वेश धारण कीजिए जटाएं बढ़ाइए माथे पे तिलक लगाइए नहीं तो जो कई संस्थाएं हैं उनके सदस्य बनिए आप सनातन धर्म का नेतृत्व तो कर लेंगे सबसे क्यों क्योंकि सनातन धर्म की कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है ऐसी बात नहीं कि शिक्षा व्यवस्था थी नहीं हाँ, वो शिक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है और उस शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है कि भाई हम किसी भी विषय को किसी भी विचारधारा को हम कैसे सनातनी मान पाएंगे इसीलिए बहुत जल्द एक ऑनलाइन कोर्स हम ले आने वाले हैं भारतीय दर्शन के ऊपर इंडियन फिलॉसफी के ऊपर फिलोसफी कह देने से कुछ और मत समझ लीजिएगा वैदिक दर्शन सीधी सी बात है भारतीय वैदिक दर्शन क्या कहता है किस तरीके से अपने बात को कहता है बातों को कहने का ढंग क्या है तरीका क्या है तो स्वाध्याय क्या है अभी कोई ऐसी कोई व्यक्ति मिले उन, उनको उनके गुरु जी ने बताया कि रामायण पढ़ लो तो स्वाध्याय हो जाएगा कोई पुराण पढ़ लो तो स्वाध्याय हो जाएगा जी नहीं स्वाध्याय का सीधा सा अर्थ है स्वयं का अध्ययन स्वयं को जानने की प्रक्रिया तो स्वाध्याय के अंदर इसकी बहुत अच्छी व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने की है स्वाध्याय की कुछ भी आप पढ़ोगे तो स्वाध्याय नहीं हो जाएगा उन्ही शास्त्रों का अध्ययन जो स्वयं का ज्ञान करा रहे हो जो स्वयं के बारे में हमें बता रहे हो हमें हमारे बारे में जानकारी दे रहे हो जैसे कि पतंजलि योग सूत्र उसका अध्ययन और वो भी औपचारिक अध्ययन का मतलब स्वाध्याय नहीं होता है इतनी औपचारिकताएं भर गई हैं कि जो वास्तविकता है वो कहीं पर पीछे रह गई है और किसी बात को हमें सही से जानना ही नहीं है हमें तर्क बढ़िया लग रहा है लॉजिक बातें बड़े बड़े मजा आ रहा है क्या लॉजिक दिया है बंदे ने यथार्थ क्या है अभी रावण को लेकर लॉजिक चलता है दशहरा के टाइम के रावण बड़ा पुण्य आत्मा था रावण परम भक्त था हमें दृष्टिकोण खुला रखना चाहिए लेकिन ये किसने कहा कि विवेक का प्रयोग नहीं करोगे जबरदस्ती की बातें कर लेने से हम कोई मॉडर्न नहीं हो जाएंगे इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा था मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक मॉडर्न सेप्टिकल मतलब आधुनिक अंधविश्वास आधुनिक अंधविश्वास आज का समाज आधुनिक अंधविश्वास मॉडर्न ब्लाइंड फेथ जो आधुनिक अंधविश्वास है उसका शिकार है उसमें भी सुधार आ रहा है चलिए आज का जो समय है जो लोग हैं वो आधुनिक अंधविश्वास के शिकार हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक तरह के अंधविश्वास को गलत ठहराने के लिए दूसरा ही अंधविश्वास शुरू कर दो दूसरा ही अंधविश्वास ले आओ तो जब हम रावण की चर्चा करते हैं तो रावण को हम पुराणों से जानते हैं रामायण से जानते हैं और जब हम कहेंगे कि रावण परम शिव भक्त था तो था शिव भक्त लेकिन फिर भी शिव उससे प्रसन्न नहीं हो पा रहे थे तो शिव तो अंतर्यामी थे रावण की इच्छा थी कि शिव कैलाश छोड़ दे क्योंकि तो शिव के संरक्षण में मानसरोवर में कुबेर को भगवान शिव ने शरण दे के रखा था रावण ने कुबेर से लंका छीन ली थी कुबेर रावण के भाई थे रावण चाहता था अगर शिव ने कैलाश छोड़ दिया तो कुबेर का बचा हुआ धन भी मैं छीन लूंगा शिव जानते थे कि भले यह तपस्या कर रहा है लेकिन इसकी मनसा तो यही है रावण ने अंत में एक शिक्षा दी बस उसी कारण से हम कह सकते हैं कि रावण ने एक महान कार्य कर दिया बस अंत में उसने यही समझाया कि मेरा जीवन अनुसरण करने योग्य नहीं है किसी को मेरा जीवन मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए मेरा फॉलोवर नहीं बनना चाहिए तो ऐसी बहुत सारी बातें और ये बातें खुद अब यह भी कहा जाता है कि रावण ने सीता जी को हाथ नहीं लगाया रावण ने ना आप वाल्मीकि रामायण अगर आप उत्तरकांड पढ़ेंगे रावण की चर्चा तो उसमें आता है या उसके दूसरे पुराणों में भी वर्णन आता है हाँ वाल्मीकि रामायण में जो सीता निर्वासन की कथा है वो दूसरे रामायणों में नहीं आती इसलिए मैं कहता हूं कि क्यों गलत है क्योंकि दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है रामचरित मानस में साफ साफ तुलसीदास तो जी ने लवकुश के जन्म को अयोध्या में बताया है इसलिए अगर आप रामचरित मानस की व्याख्या सुनेंगे इसलिए रामचरित मानस की व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है एक तो वो दार्शनिक बातों से भरी हुई है तो रावण के बारे में जब वाल्मीकि जी लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि कई स्त्रियों का उसने हरण किया सीता जी को स्पर्श नहीं किया लेकिन बाकी स्त्रियों को तो उसने नहीं छोड़ा था तो जब आप रावण की बात करते हो तो थोड़ा सा अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन भी बढ़ा लेना चाहिए व्यक्तिगत अध्ययन भी तो कीजिए या बस तर्कों से काम चलाएंगे व्हाट्सअप ज्ञान से चला काम चलाएंगे व्हाट्सअप डिक्शनरी से काम चलाएंगे कहां से काम चलाएंगे तो आजकल ये व्हाट्सएप और फेसबुक का जो नॉलेज है बड़ा खतरनाक है तो इसको लेकर आप मत समझ लीजिएगा कि आपको शास्त्रों का ज्ञान हो गया है और आप बड़े सटीक ज्ञान वाले बन गए हैं बेकार के तर्क इधर से उधर घुमाते रहेंगे लॉजिक देते रहेंगे लॉजिक से पेट नहीं भरता नहीं, तो मान लो कि रोटी खा लिया तो पेट भर जाना चाहिए मानने मात्र से तर्क देने मात्र से ही नहीं रोटी का निवाला गले के नीचे उतरेगा पेट में जाएगा तब तो जाके ना पेट भरेगा इसीलिए शास्त्रों को प्रमाणों की आवश्यकता पड़ी प्रमाण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो यह सारी बातें अब एक साधारण हिंदू बोलेगा कि भाई भगवान ही भगवानी का क्या प्रमाण है तो आप शास्त्र पढ़ो हमारे खुद के वैदिक दर्शन में ऐसे दर्शन है जो किसी ऐसी आसमानी शक्ति को, को कोई मानने के लिए तैयारी नहीं है प्रकृति को मानते हैं प्रकृति हमें सीधा बहुत कुछ दे रही है प्रदान कर रही है इसलिए प्रकृति पूजा एक अभिन्न अंग बन जाता है सनातन धर्म में तो इसीलिए स्वाध्याय स्वाध्याय का अर्थ स्वयं से है आत्मा से है स्वाध्याय का अर्थ स्वयं से है आत्मा से है और आत्मा भी कोई मान्यता का विषय नहीं है जानने का विषय है मनुष्य ईश्वर को क्या जानेगा वो स्वयं अपने आप में अपने लिए ही सबसे बड़ा रहस्य है वो तो स्वयं को ही जान ले स्वयं को ही जान ले कि वो अपने आप में ही सबसे बड़ा रहस्य है तो आत्मज्ञान की यात्रा हम पतंजलि योग सूत्र से करते हैं कृष्ण भी अर्जुन को वही आत्मज्ञान की यात्रा करवा रहे हैं तो स्वाध्याय होता है तो यहां पर स्वाध्याय होता है जो क्रिया योग का अभिन्न अंग है तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान इसको क्रिया योग कहते हैं इसको राजयोग नहीं कहते इसको हट योग नहीं कहते इसको कर्मयोग नहीं कहते इसको क्रिया योग कहते हैं महर्षि पतंजलि ने तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा है यह क्रिया योग का विषय है तो अब जो है यह क्रिया योग का उद्देश्य क्या है क्रिया योग का उद्देश्य है समाधि की ओर आगे बढ़ने में यह सहायक है सपोर्टिंग करता है ऐसा नहीं कि आप स्वाध्याय से तप से या ईश्वर परिधान से आपकी समाधि लग जाएगी जी नहीं लेकिन यह योग के मार्ग में समाधि की यात्रा में सहयोगी है सहयोगी है यह उस दिशा में हमें ले जाता है और दूसरा इसका लाभ है कि यह क्लेशों को शिथिल करता है क्लेशों को शिथिल करता है तो महर्षि पतंजलि अब क्लेशों की ही यात्रा शुरू कर देते हैं कि भाई यह क्लेश क्या है पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश यह पंच क्लेश है इसको महर्षि पतंजलि वर्णन करते हैं कि अविद्या अस्मिता मतलब अस्मिता का संबंध अहंकार से है राग और द्वेष सुखों में आसक्ति होना राग है दुखों का निरंतर चिंतन करना और दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होते रहना यह सब द्वेष के अंतर्गत आएगा द्वेष भावना यहां पर पनप रही है और अस्मिता दृग शक्ति और दर्शन शक्ति का एक ही भाव होना दृग दर्शन शक्तियों तैवास्मिता वह अस्मिता है दृक शक्ति और दर्शन शक्ति बुद्धि को ही बुद्धि और चेतना का एक प्रकार से बुद्धि यहां पर दृक शक्ति के रूप में विद्यमान है तो उसकी एक ही एक रूपता को उस बंधन को स्वीकार करना बुद्धि के बंधन को महत्व को इसको अस्मिता कहेंगे ठीक और अविद्या क्या है कल हमने सुना सत्य असत्य को सत्य समझना अनित्य को नित्य समझना यह अविद्या का स्वरूप बताया गया है और यह कैसे संभव है इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश या पंच क्लेश कहे गए हैं पंच क्लेश क्लेश का अर्थ क्या है यह भी समझिए क्लेश मतलब जो व्याधि स्वरूप है क्लेश मतलब जो दुख स्वरूप है दुख रूप में विद्यमान है तो अनित्य को नित्य समझना अपवित्र को पवित्र समझना दुखकर को सुखकर समझना और अनात्म वस्तु को आत्म समझना अनात्म वस्तु क्या है कल थोड़ी सी इसकी व्याख्या पर मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया था यहां पर सीधी सी बात है कि जो इंद्रिय जगत है जो सेंसरी वर्ल्ड है जो सेंसुअल वर्ल्ड है सेंसुअस है सेंसुअल नहीं सेंसुअस है यह जो इंद्रिय जगत है यह संपूर्ण अनात्म विषय है तो अनात्म विषय को आत्म समझ लेना शरीर को अपना समझ लेना शरीर में ही अपने आप को ढूंढना और शरीर में ही अपने आप को देखना यह अनात्म को आत्म समझ लेने के बराबर है संसार की अनित्य वस्तुओं को नित्य समझ लेना पवित्र को पवित्र और दुखकर को सुखकर समझना यह सब किस श्रेणी में आता है अविद्या की श्रेणी में आता है मुख्य रूप से अगर एक लाइन में कहे तो अनात्म को आत्म समझ लेना ही अविद्या है और इंद्रिय जनित जितनी भी अनुभूतियां हैं वह सब अविद्या की श्रेणी में आती हैं ठीक तो यह सब अविद्या का विषय इस प्रकार से कहा गया है फिर राग द्वेष वो हमने समझा तो अविद्या को कैसे समझना चाहिए अनात्म को आत्म मतलब जो आत्मा नहीं है उसको भी आत्मवस्तु समझ लेना और अविद्या यही कहलाती है असत्य को सत्य समझ लेना असत्य के स्वरूप को सत्य समझ लेना यह भी अविद्या है तो ऐसी समझ से हमें बचना है ऐसे समझ से हमको बचने का प्रयास करना अविद्या तो अविद्या से आप कैसे बचेंगे अब अविद्या के बारे में एक और बात समझा दिया गया कि अविद्या ही सारे क्लेशों की जन्मभूमि है अविद्या ही सारे क्लेशों की जन्मभूमि है सारे क्लेश अविद्या के कारण ही उत्पन्न होते हैं चाहे है वो अस्मिता हो अहंकार हो राग हो द्वेष हो और अभिनिवेश हो अभिनिवेश क्या है जीवन के प्रति जो ममता है जो विद्वानों में और विवेकवानों में भी सूक्ष्म रूप में रहती ही रहती है और कई बार अपने जीवन के प्रति ना हुआ तो अपने परिजनों के जीवन के प्रति अपने बाल बच्चों के प्रति कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए कहीं वो ना मर जाए अब ये बात जो बताई गई कई बार ये विद्वानों के अंदर विवेकवानों के अंदर भी यह अभिनिवेश विद्यमान रहता है क्यों विद्यमान रहता है क्योंकि तो सारी अभिव्यक्ति तो इसी आधार पर है ना इस जीवन के आधार पर ही सारी अभिव्यक्तियां आप कर रहे हैं तो जब सारी अभिव्यक्ति इस जीवन के आधार पर कर रहे हैं तो उस जीवन के प्रति एक स्वाभाविक ममता का होना यह जो है अभिनिवेश के रूप में आता है यह एक क्लेश यह भी एक क्लेश है अभी सारे क्लेश हैं, क्लेश मतलब व्याधि क्लेश मतलब दुख या दुख का कारण यद्यपि महर्षि पतंजलि अभी दुख और दुख के कारण और दुख के उपाय इन सब पर अभी चर्चा करेंगे जो कि बौद्ध दर्शन से मिलता जुलता है बौद्ध बुद्ध के चार आर्य सत्य से मिलता है वो आगे अभी चर्चा में आएगा तो ये सारे क्लेश इन सभी क्लेशों का परिणाम क्या होता है पहले तो वो कहते हैं कि इन क्लेशों को दूर करने के लिए चित्तवृत्ति निरोध करना चाहिए इन क्लेशों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए तो चित्तवृत्ति का निरोध करना चाहिए पहले तो यह स्पष्टीकरण दिया गया कि आप चित्तवृत्ति का निरोध कैसे करोगे चित्तवृत्ति का निरोध तो वही उपाय है वही सारे उपाय हैं तो यहां पर महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि ते प्रति प्रसवे या सूक्ष्म उन सूक्ष्म संस्कारों को प्रति प्रसव यानी प्रतिलोम परिणाम के द्वारा अर्थात चित को अपने कारण में विलीन करने के साधन के द्वारा प्रतिलोम प्रतिलोम मतलब विपरीत एक विपरीत धारा बहानी पड़ेगी विपरीत धारा बहानी पड़ेगी उसके माध्यम से मतलब कि यह जो क्लेशों की दिशा है क्लेशों की विपरीत दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी और वह यात्रा ही अष्टांग योग की यात्रा है क्लेशों के विपरीत दिशा में हमें चलना पड़ेगा तो धीरे धीरे हम क्लेशों से मुक्ति पा पाएंगे और वह जो विपरीत यात्रा है उसी को यहां पर कहा गया है ध्यान हे यास्तद वृत ध्यान के द्वारा उनकी वृत्तियां नष्ट करनी पड़ती हैं किसकी वृत्तियां क्लेशों की वृत्तियां तो ध्यान के द्वारा यहां पर महर्षि पतंजलि ध्यान का उपयोग बता रहे हैं कि ध्यान के द्वारा ध्यान हे यादव जो हेस्तद हेय मतलब होता है दुख हे मतलब है कष्ट क्लेश का मतलब है कष्ट दुख व्याधि उत्पन्न करने वाली चीजें या दुख का कारण क्लेश कहा जाता है तो ध्यान हे यादव मतलब ध्यान के द्वारा इन दुखों को दूर करना पड़ता है इन क्लेशों को दूर करना पड़ता है आगे अब क्लेश परिणाम को वो समझाते हैं कि क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म संस्कारों के समुदाय की जड़ ये सब पूर्वुक्त क्लेश ही है क्लेश क्या है तो कर्म समुदाय के का आशय है क्लेश वर्तमान जन्म भावी जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म और वासना का जो मूल है वो क्लेश है कर्म और वासना का मूल क्या है क्लेश है इसलिए कहा गया क्लेश मूल कर्माशय कर्म आशय का मतलब कर्म आशयों मतलब, आशयो, मतलब कर्म वासना वासना मतलब कर्मों के प्रति कर्म फल के प्रति जो हमारा अनुराग है जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसी को त्यागना है अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम छठे अध्याय भगवद गीता का पहला श्लोक लीजिए और ये सूत्र लीजिए दोनों को एक साथ पढ़िए क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनीय वहां भगवान कृष्ण कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम मतलब कि तुम कर्म फल का आश्रय छोड़ दो और यहाँ पर महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि वर्तमान जन्म और भावी जन्म में क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनीय भावी जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म और वासनाओं का जो मूल है वह क्लेश ही है अर्थात हमसे जितने भी कर्म हो रहे हैं हमारे जीवन में जितनी भी कर्म वासनाएं हैं और हम कर्म फल के जितनी भी चक्कर हैं हमारे जो सुख दुख के रूप में आते हैं क्षणिक सुख उसको सुख नहीं मानते हैं सांख्य शास्त्र उसको सुख नहीं मानता इसी आधार पर बौद्ध दर्शन ने भी सुख नहीं माना वैसी चर्चा योग सूत्र में भी मिलती है आगे के सूत्रों में आएगी अभी लेकिन यहां पर यह जो क्लेश है कर्म आशय कर्म वासना का मूल है और इस जन्म में भी और आगे आने वाले जन्मों में भी दृष्टा दृष्ट द्रिश्ट जन्म वेदनीय जो जन्म हमारे सामने है और जो भावी जन्म होगा उन सब में जो हम कर्म वासनाओं का अनुभव करते हैं उन सब में जो कर्म फल का अनुभव करते हैं थोड़ा सुख तो थोड़ा दुख के रूप में तो जो थोड़ा सुख थोड़ा दुख कहने का मतलब यहां पर इसलिए थो, दुख थोड़ा नहीं है सुख थोड़ा है क्षणिक है तो कहीं विशेष रूप से इसका गुण है तो महर्षि पतंजलि की विचारधारा भी बुद्ध के समान इस विषय को मानती है कि संसार दुखमय है और इसके ऊपर सूत्र भी है सांख्य सूत्र का भी प्रारंभ इन बातों से होता है कि संसार दुखमय है ऐसा नहीं कि बुद्ध ने कोई पहली बार ऐसी बात कही हो कर्म और वासना का मूल ये क्लेश है ये क्लेश ही कर्म और वासना के मूल हैं, और जब ये कर्म और वासना के मूल हैं, तो कर्म और वासना के सहारे ये तीन परिणाम को निश्चित करते हैं कौन से तीन परिणाम को निश्चित करते हैं जाति आयु और भोग ये तीन परिणामों को निश्चित करते हैं सती मूले तद्वीपाको जात्या आयुर्भोग सती तद्विपा तद्विपाको जात्या आयुर्भोग अर्थात क्लेश रूप मूल के रहने के कारण उनका फल तीन रूप में प्राप्त होता है क्लेश रूप मूल के रहने के कारण सती मूले क्लेश मूल है कर्म वासना का और कर्म वासना से ही ये तीन चीजें निर्धारित होती हैं जाति आयु और भोग आपका जन्म किस जाति में हुआ है आप उस जाति में कितने आयु तक रहेंगे और आप क्या क्या भोगेंगे कब सुख भोगेंगे कब दुख भोगेंगे कब अहंकार में रहेंगे कब मोह में रहेंगे ये सारी चीजें इन क्लेशों के द्वारा निश्चित किया जाता है ये जो पंच क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश कर्म वासना के मूल में यही है और कर्म वासना के परिणाम स्वरूप इन क्लेशों के मूल का परिणाम है क्या परिणाम है जाति आयु और भोग अब जाति का संबंध किससे है तो जाति का संबंध आपके जन्म से है आपका जन्म जैसा हुआ है जिस जाति में हुआ है वो आपकी जाति मानी जाएगी तो जाति आयु और भोग ये तीन चीजें निश्चित कर देंगी लेकिन अब ये कर्म और वासना और क्लेश जीव की स्थिति को निश्चित करते हैं जीव की स्थिति को अब जीव चाहे जिस रूप में रहे इन तीनों के प्रभाव में तो रहेगा वो किसी ना किसी जाति में होगा किसी ना किसी उसकी आयु भी निश्चित होगी और उसका भोग भी निश्चित होगा जिस जाति में रहेगा उस जाति में आयु और भोग तो यहां पर जाति कहने का तात्पर्य कि आपका जन्म किसी योनि में हुआ है क्योंकि तो क्या आप ये मान लोगे कि यह मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है अगर मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि जो कर्म वासना और क्लेश कुत्ते के जीवन में नहीं होगा गाय के जीवन में नहीं होगा चौपाए जानवरों के जीवन में क्या नहीं होगा चौपाए जानवरों के जीवन में नहीं होगा लेकिन है उनके जीवन में कर्म वासना क्लेश यह सब उनके जीवन में तो है ही तो जाति का अर्थ यहां पर व्यक्ति का जन्म किस योनि में हुआ है क्योंकि जन्म से तो जाति पहचान में आती है कर्म से कर्म और गुण से वर्ण पहचान में आते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता में कर्म और गुण के आधार पर वर्णों का निश्चय करते हैं इसका प्रम, प्र, कर्म और वर्ण के आधार पर कर्म और गुण के आधार पर वर्णों का निश्चय होता है श्रीमद भगवद गीता इसका शब्द प्रमाण है इसका आगम प्रमाण हम भगवद गीता में प्राप्त कर सकते हैं किसका वर्ण का कि वर्ण का निर्णय कर्म और गुण से है और जाति का निर्णय उस योनि से है कि, कि किस योनि में आपका जन्म हुआ है तो कर्म और वासना और कर्म और वासना का जो मूल है वह पंच क्लेश है वो पंच क्लेश आपकी जाति आयु और भोग का निश्चय करते हैं कि आपका जन्म किस योनि में होगा आपका आपकी उस योनि में आयु कितनी होगी कितने वर्ष तक आप उसमें जीवित रहेंगे और भोग क्या क्या भोगेंगे आप यह सब का निश्चय इन पंच क्लेशों के द्वारा ही होता है और इन पंच क्लेशों से उत्पन्न जो कर्म वासना है उनके द्वारा यह इन तीनों का निश्चय हो जाता है किसका किसका निश्चय जाति आयु और भोग का निश्चय हो जाता है तो कर्म वासना के आधार पर महर्षि पतंजलि दोबारा से इस बात को रिपीट करेंगे आगे कि जाति आयु भोग का निश्चय कर्म आधारित होता है और कर्म सिद्धांत को बताएंगे चार प्रकार के कर्म का वर्णन महर्षि पतंजलि करते हैं श्रीमद भगवद गीता में तीन प्रकार के कर्म का वर्णन मिलता है कर्म अकर्म और विकर्म भगवद गीता में लेकिन यहां पर चार प्रकार के कर्म का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में प्राप्त होता है कौन कौन से वो जब कर्म के सिद्धांत का विषय आएगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे लेकिन साधन पाद में बहुत ही सूक्ष्म कॉन्सेप्ट मिलते हैं जिनको बहुत गहराई से थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ता है थोड़ी एकाग्रता से समझना पड़ता है तो यहां पर महर्षि पतंजलि अभी इसके साथ अब ये क्लेशों की चर्चा समाप्त नहीं हुई है तो जाति आयु और भोग इन तीनों का निश्चय कर्म वासना से होता है लेकिन कर्म वासना का जो आश्रय स्थान है वो पंच क्लेश है और पंच क्लेशों का जो आश्रय स्थान है वो तीन गुण है यह अभी आगे चर्चा और आने वाली है त्रिगुणी माया पे भी चर्चा आएगी अभी तीन गुणों की स्थिति को महर्षि पतंजलि ने समझाया है कि तीन गुण कैसे कार्य करते हैं इनकी विकृत अवस्था क्या है पराप्रकृति क्या है लिंग क्या है अलिंग मात्र क्या है प्रकृति को ही लिंग और अलिंग मात्र दो रूप में बताया गया है तो क्लेश के परिणामों का वर्णन करते हैं महर्षि पतंजलि क्लेश का परिणाम अब इसमें क्लेश के परिणाम ही आगे चलने वाले हैं कई रूप में क्लेश के परिणाम बताए जाएंगे तो यहां पर प्रथम परिणाम वो बताते हैं कि क्लेश का परिणाम कर्म और वासना की उत्पत्ति है और कर्म और वासना से तीन चीजों का परिणाम निकलेगा जाति आयु और भोग जीवात्मा जो है उसकी जाति निश्चित होगी उसकी आयु निश्चित होगी और उसका भोग निश्चित होगा ये तीन चीजें निश्चित होंगी उसके कर्म वासना के आधार पर जिसका मूल क्लेश है तो सती मूले अर्थात क्लेश रूपी मूल के विद्यमान होने के कारण यह जो सूत्र है वह क्या कह रहा है कि सती मूले, का को जात्या आयुर्भोग क्लेश रूप मूल के रहते हुए उनका फल क्लेश रूपी मूल रहते इसलिए उनका फल जाति आयु और भोग के रूप में ही प्राप्त होता है जाति आयु और भोग के रूप में ही प्राप्त होता है हमें ऐसा समझना चाहिए तो यह सब कुछ निश्चय होता है कर्म संस्कारों से क्लेशों से और ये पंच क्लेश के वशीभूत जीव रहता है कभी राग कभी द्वेष, कभी अस्मिता अहंकार पहले अविद्या उत्पन्न होती है अनात्म वस्तु को आत्म समझ लेना इंद्रियों से प्राप्त अनुभूतियों को अपना सत्य मान लेना क्लेशों की मौजूदगी के कारण क्लेशों के विद्यमानता के कारण कर्म वासनाएं दोनों फल की आरंभ करने वाली होती है क्लेश होने से कर्म वासनाएं होती हैं और कर्म वासनाओं से ये तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं जाति आयु भोग ठीक और अगर क्लेश ना हो क्लेश रूपी बीज ना रहे अगर ध्यान योग से बीज नहीं जला उपजने को समर्थ रहता है लेकिन जिनका बीज समाधि के प्राप्ति से दग्ध हो चुका है ज्ञान की अग्नि में वो कभी इन कर्म वासनाओं के वशीभूत होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते ठीक इसका अर्थ इस प्रकार से हमें समझना चाहिए तो ये कर्म वासनाएं क्लेशों का आधार लेकर कर्म वासनाएं और कर्म वासनाएं क्लेश रूपी मूल का फल प्रदान करती हैं तीन रूप में प्रदान करती हैं जाति आयु और भोग के रूप में यहां पर भोग का अर्थ सुख दुख रूपी अनेकों भोग हैं अनेकों रूप से भोग प्राप्त होते हैं उनको उस ढंग से समझना चाहिए तो मुख्य रूप से आज की जो चर्चा हमारी थी वो यही थी क्लेश का परिणाम कर्म वासना और कर्म वासनाओं का परिणाम जाति भोग और आयु ये तीन परिणाम तीन चीजें प्राप्त होती हैं जीव योग सूत्र की व्याख्या में यही सबसे बड़ी बात होती है कि छोटे छोटे सूत्रों में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और जब आप पुराणों का अध्ययन करते हैं तो बहुत बातों को बहुत बढ़ा चढाकर फैलाकर फैला कर लिखा जाता है कथा कहानियों के साथ और कई बार का फैलाव अत्यधिक होता है लेकिन सूत्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बहुत कम शब्दों में लिख दिया जाता है महर्षि पतंजलि यही तो से आपको यहां पर कुछ सूत्र संख्या मैं आपको बता दूं तो लगभग दसवें से लेकर बारहवें सूत्र तक ये चर्चा करते हैं ठीक बारहवें तेरहवें सूत्र तक ठीक तो तेरहवें सूत्र तक वो ऐसी चर्चा कर रहे हैं क्लेशों की चर्चा क्लेश के परिणाम की चर्चा तो क्लेश तेरहवें सूत्र में कहते हैं सती मूले तद्विपाको जातुर आयुर्भोग उसके पहले कहते हैं कि कर्म वासना जो है वो क्लेशों का आश्रय लेकर है क्लेश मूल वो दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनिया और जन्म जन्म में एक जीवात्मा को इन क्लेशों के कारण दुखों का भोग करना पड़ता है क्लेशों के कारण दुखों का भोग करना पड़ता है ये हमें समझना चाहिए चलिए आगे चलते हैं विचार करते हैं तो ध्यान के द्वारा क्लेशों से निवृत्ति संभव है ध्यान योग से क्लेशों से निवृत्ति संभव है तो ध्यान योग हमें करना चाहिए और ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स जो ध्यान योग का है वो शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से कुछ लोगों ने इसकी ज्वाइन करना शुरू कर दिया है ज्वाइन कर लिया है आप भी इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाएं साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का भी यह कार्यक्रम होगा 20 अक्टूबर से बहुत लाभकारी है यह प्राकृतिक चिकित्सा ठीक ध्यान योग के अंतर्गत गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स आपको दी जाएंगी बहुत लाभ उठा सकते हैं कई लोगों ने इसको प्राप्त करके बहुत लाभ उठा रहे हैं आप भी उठाइए चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपकी टिप्पणियों को देखते हैं अमन कक्कर जी बहुत अभिनंदन है राजू पाल जी अपूर्व विश्वकर्मा जी जगत नारायण जी नवजोत नाथ जी अवधेश कुमार जी बिक्रम सिंह जी जितेंद्र साहू शंकर प्रसाद जी बहुत अभिनंदन है सभी का यहां पर तो जुड़े रहे बने रहें, रहें लाभ उठाते रहे जितेंद्र साहू जितेंद्र साहू जी शंकर प्रसाद जी पवन कुमार गुप्ता जी रूपलाल विश्वकर्मा जी गणेश पवार जी बहुत अभिनंदन है नरसाराम जी अभिनी प्रधान जी शिखर शर्मा राम निवास मीना धनराज सिंह राजपूत पंकज सोनी जी सुहास राणे दीपक कुमार जैन जी बहुत अभिनंदन है आपका रामविलास जी दीपक कुमार जैन सविता नायक रतन सिंह जी उषा श्रीवास्तव गौतम दास सतीश कुमार अजीत अपराजित काशीनाथ जलाराम का माधुरी कोले विनोद के सूद विजय बाला श्वेता कुमारी कन्हई कुमार काशी राजेश ओम सत्तुरुजी प्रणाम द्वारा योग रहस्य बताया जा रहा है हम इसके लिए बहुत आभारी हैं है। लाभ उठाइए योग रहस्य का राजेश भाई मकवाना आशा रानी नीता सिन्हा जी ज्योन्ती दत्ता जी बहुत अभिनंदन आपका पांडुराग बराले भगवती यादव बिमला शाह राजेंद्र चौहान मुकेश राठौड़ मनीष यादव हीरा लाल यादव जी शिवम भट्ट कमलेश खैरनर संतोष गुप्ता ए के त्यागी उत्कर्ष तिवारी जी विष्णु चंद्र मौर्या जी संतोष गुप्ता जी आगम प्रमाण से क्या तात्पर्य है आगम मतलब शब्द प्रमाण जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र हैं उनके प्रमाण आगम मतलब सिद्धों के वाक्य ठीक है आगम ग्रंथ हम वेदों से पूर्व के साहित्य को ग्रंथों को भी आगम कहते हैं क्यों क्योंकि तो वो शब्द प्रमाण उन्हीं का प्रमाण लेकर वेदों की रचना हुई है आगम को हम जो पूर्व वैदिक काल है पूर्व वैदिक मतलब वेदों से पूर्व प्री वैदिक एरा उसमें भी कई ग्रंथों की रचना हुई तो उसी का आधार लेकर उन्हीं का संकलन कर वेदों का निर्माण किया गया था तो उनको भी आगम कहते हैं ठीक तो आगम शब्द प्रमाण है यह चौथे प्रकार का प्रमाण मान्य है मीमांसा तो शास्त्र में इसे फोर्थ लेवल दिया गया है इससे पहले तीन प्रमाणों का महत्व है प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान महत्व इन तीनों का अधिक है उसके बाद आगम उसके बाद शब्द टेस्टमनी जिसको हम कहेंगे टेस्ट ठीक है तो यह है तो यह सब हमें समझना चाहिए अभिषेक कुमार पांडे जी घनश्याम सरोदे जी सनातन हमेशा और सनातन की सच्चाई अत्यंत ही लाभकारी है हमें सनातनियों को वेद की तरफ लौटना ही पड़ेगा जी हां लेकिन यह व्हाट्सअप ज्ञान फेसबुक ज्ञान से संभव नहीं है एक बहुत सही सटीक शिक्षा व्यवस्था से ही यह संभव है और जबरदस्ती की थोपने वाली बातों से भी संभव नहीं है एक सटीक व्यवस्था से ही यह संभव है तो तभी जाकर यह संभव होगा तो वैदिक दर्शन पर सनातन धर्म दर्शन पर बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्स मिलने वाला है आपको आप उसको ज्वाइन कर कर जरूर लाभ उठाइए उस ऑनलाइन कोर्स का ठीक है तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देंगे और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का